मैं हूं आपके साथ इंशान, नेशनल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। दो पक्षों में आपसी विवाद हुआ, विवाद के दौरान चली गोली, युवक हुआ घायल। बता दें कि दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा कि नौबत मारपीट पर आ पहुंची। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और गोलियां भी चली, जिससे कि दो युवक घायल हो गए। घायलों को फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए लाया गया। दरअसल मामला फिरोजाबाद के थाना मतसेना क्षेत्र सिंघई गांव का है, जहां पर दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया, वहीं विवाद के दौरान मारपीट हो गई। बताया कि पुरानी रंजिश के चलते ये पूरी घटना हुई है। घायल पक्ष अपने आप को बीजेपी का समर्थक बताता है, वहीं आरोपी पक्ष समाजवादी पार्टी का समर्थक है और ये रंजिश चुनाव के समय से चलती आ रही है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। राजपाल जी, क्या हुआ था? है? क्या हुआ था? बच्चों में झगड़ा हो गया था। किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ था? झगड़ा वो कल तो लंबी कूद रहे थे, पैदा फैदा उसमें हो गया था हल्का पूरा। सुबह उन्होंने घेर के इसकी मारपीट की, मैं बचाने गया तो मुझे वो गोली दी है, अदालतों ने फायरिंग की है। गोली क्यों मारी? कोई रंजिश रंजिश है? उससे रंजिश मानते हैं। किस चीज़ को लेकर रंजिश मानते हैं? वो समाजवादी पार्टी से संबंधित है, मैं बीजेपी से संबंधित हूँ। कौन से गाँव का मामला है? सेंगई। तो बीजेपी पार्टी से रंजिश किस तरीके की रंजिश रखते हैं? मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, इसलिए मुझे मार जान से मारने की धमकी भी दी। पहले भी धमकी दे चुके हैं? अच्छा, ये आप पहले धमकी दी थी, आपने पुलिस में शिकायत की थी इसकी? तो अभी आपने FIR करा दिया थाने में? हाँ, FIR। अब आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ मुझे न्याय मिलना चाहिए। शिवम यादव। क्या हुआ शिवम जी? ये गांव में अपोजिट पार्टी के लोगों से सर झगड़ा हुआ था, उन्होंने हम लोगों की मारपीट की थी, तो उसमें पिताजी के और भाई के चोट आ गई, पिताजी की गोली लग गई है। कौन है अपोजिट पार्टी वाले? जो अपोजिट पार्टी के हैं, पूर्व प्रधान है मनोज कुमार, उनके भाई हैं संजय कौशल और उनके दो छोटे भाई हैं देव और छोटू, और एक सीटू है और एक आदेश नाम के लड़के, सात लोग थे। क्यों गोली मारी? कोई पुरानी रंजिश चल रही है क्या? पुरानी रंजिश है हम लोगों की, 20 साल पुरानी रंजिश है। किस चीज़ को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है? ये ग्राम पंचायत का जो प्रधानी का इलेक्शन होता है, उसके थ्रू इन्होंने जो अपोजिट है, हम अपोजिट पार्टी से हैं, 20 साल से हमारे घर में प्रधानी चलती थी, तो उससे वो अच्छी लोग हैं, तो उसके रिलेटिव उन्होंने हम लोगों से झगड़ा आए दिन होता रहता है। फिरोजाबाद के GRP थाना प्रभारी मुकेश कुमार शर्मा की तरफ से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिरोजाबाद RPF प्रभारी निरीक्षक नरेश चंद्र शर्मा की तरफ से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। CA अवधेश पालीवाल, जिला महामंत्री भाजपा व निर्देशक जिला सहकारी बैंक फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सागर ITI के प्रबंधक SK सागर की तरफ से आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी से सिरसागंज चेयरमैन सोनी शिवहरे की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी सिरसागंज के विधायक सर्वेश यादव की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। FH मेडिकल कॉलेज की तरफ से आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। MS स्कूल के प्रबंधक संजीव चार्ल्स की तरफ से आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। DR इंटर कॉलेज सिटी पब्लिक स्कूल माधोगंज शुकोबाद के प्रबंधक ओम प्रकाश यादव की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरवेंद्र कुमार मिश्रा SHO रामगढ़ फिरोजाबाद की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। SHO कमलेश सिंह थाना रसूलपुर फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
न्यू सैन स्टेफन पब्लिक स्कूल सवाई बरहन रोड एतमादपुर आगरा के प्रबंधक कुलदीप वर्मा की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।